हेलो स्टूडेंट, आप सभी के अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो कि कक्षा 10 और कक्षा 9 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कक्षा 10 के लिए। तो चलिए कक्षा 8 की 8 बजे वाली लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी बच्चे नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी आ जाएं, ठीक है। और ये वीडियो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग शेयर कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके हमारे चैनल के द्वारा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसी संस्था का नाम लिखिए जो व्यापक स्तर बायोगैस, ठीक है, बायोगैस संयंत्रों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दे रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य तथा ग्राम उद्योग समिति जो होती है वो बायोगैस, ठीक है, बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के कार्य को प्रोत्साहन ज़्यादा देती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि हमारे देश में मवेशियों से कितने बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। मवेशी का देखिए मतलब होता है जो भी हमारे जानवर मर जाते हैं उन्हें मवेशी बोला जाता है। तो लगभग के लिए हो जाएगा इसका आंसर 14.5 लाख संयंत्र को लगाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि बायोगैस संयंत्र से हमारे देश की घरेलू ऊर्जा की कितने प्रतिशत आपूर्ति होती है। तो लगभग 75% आपूर्ति होती है बायोगैस संयंत्र के माध्यम से। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि बायोगैस संयंत्र से बचे पदार्थ में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो जो प्रोडक्ट बच जाता है उसके अंतर्गत हमारा नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जीव द्रव्यमान क्या होता है, यानी बायोमास किसे कहा जाता है। तो पौधों तथा जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को जीव मास या जीव द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पवनों का प्रवाह कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के विकिरणों से भूखंडों तथा जलाशयों के असमतप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसका कारण देखिए कि सूर्य की जो विकिरण होती है वो क्या काम करेगी, मतलब नीचे की वायु को गर्म करेगी और गर्म वायु ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है। फिर उसका स्थान ठंडी वायु ले लेगी, फिर वो गर्म होगी, फिर ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इसी के माध्यम से हमारा पवनों का प्रवाह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शताब्दियों पहले पवन चक्कियों का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था। तो किस लिए किया जाता था, कुओं से जल बाहर निकालने के लिए पवन चक्कियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पवन चक्की की किस गति से विद्युत उत्पन्न होती है। तो घूर्णी गति से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा फॉर्म किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जब किसी विशाल क्षेत्र में अनेक पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तो उस क्षेत्र को पवन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हवा चलती है इसलिए उसको पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है। तो जर्मनी सबसे आगे है पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो जर्मनी जो है वो नंबर एक पर आता है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा उत्पादित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 5th नंबर पर आता है, जो अपना इंडिया है, ठीक है, जो भारत है वो 5th नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है, ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, यदि पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो हम कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45,000 MWi बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 380 MWi ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं, क्या है कि कन्याकुमारी के निकट भारत का, ठीक है, यानी कहाँ पर जो है ऊर्जा फॉर्म है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है, याद रखिएगा ये। और कितना है एनर्जी उत्पन्न करता है, तो 380 MWi एनर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा के लिए पवनों की चाल कितनी होनी चाहिए।
ठीक है, तो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर पवन चलेगी तब पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अगला है कि पवन ना चलने की अवस्था में पवन चक्की की टरबाइन किसकी सहायता से चलाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संचायक सेलों की सहायता से। इसमें बैटरी लगी होती है, उसी के माध्यम से पवन चक्की में जो टर्बाइन से लगे होते हैं उनको चलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवन चक्कियों में टूट फूट की संभावना किन कारणों से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब अंधड़ आता है, आंधी चक्रवात आता है, धूप ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और क्या वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य कब से विशाल मात्रा में ऊर्जा विकृत कर रहा है, तो ये लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले से हमको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अगला है कि हमारा देश प्रति वर्ष कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, तो कितना आंसर हो जाएगा 5000 trillion किलोवाट, ठीक है, एनर्जी को प्राप्त करता है प्रति वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न एक लेते हैं कि सौर ऊर्जा को किस रूप में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महासागरों में जल का स्तर किस कारण चढ़ता और गिरता रहता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ठीक है, जो भी महासागर होते हैं सागर होते हैं उसमें पानी चढ़ता रहता है और कम होता रहता है, ठीक है, नीचे गिरता रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ज्वरीय ऊर्जा के दोहन के लिए बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, तो संकीर्ण क्षेत्र में किया जाएगा, जो वो छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तरंग ऊर्जा किस प्रकार की तरंगों में उत्पन्न होती है, तो प्रबल तरंगों से उत्पन्न होती है। ठीक है, किस तरंगों से, प्रबल तरंगों से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा किन परिवर्तनों का परिणाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौमिकीय परिवर्तनों का परिणाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तप्त स्थल क्या होते हैं, तो भूमिगत तपे हुए क्षेत्रों को तप्त स्थल बोला जाता है, यानी भूमि पर जो होते हैं तपे हुए स्थल, गर्म स्थल को तप्त स्थल बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गर्म जल के निकास मार्ग को गर्म कामों के अतिरिक्त और क्या कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण श्रोता के नाम से उसको बुलाया जाता है, यानी कह करके पुकारा जाता है। ठीक है, उष्ण श्रोता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तप्त स्थलों से भाप को किस प्रकार बाहर निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी में छिद्र करके पाइप डालकर भाप को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन देशों में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र काम कर रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड तथा USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौर सेल किस ऊर्जा में कन्वर्ट यानी कन्वर्जन करता है, परिवर्तन करता है, तो सौर सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को किस रूप में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न कि किन्हीं चार अर्ध चालकों के नाम बताएं जिनसे सौर सेल का निर्माण किया जाता है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, गैलियम, सेलेनियम और जर्मेनियम से सौर सेल का अर्ध चालकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत में पवन ऊर्जा का लाभ उठाने हेतु कौन कौन सी परियोजनाएं आरंभ की जा चुकी हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं, गुजरात के ओखा नामक स्थान पर IMW की पवन चक्की लगाई गई है। ठीक है, इसका दूसरा हो जाएगा कि गुजरात के पोरबंदर में स्थित लांबा, ठीक है, नामक स्थान पर पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये दो आंसर हो जाएंगे हमारे। अगला है कि सेलेनियम पर आपतित सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6%। ठीक है, 0.6% जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अगला है कि आधुनिक सेलेनियम सौर सेल की दक्षता कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25% होती है। ठीक है, अगला है कि अर्धचालकों से निर्मित सौर सेलों की दक्षता कितनी होती है, तो 10% से 18% होती है। ठीक है, अगला है कि सौर सेल क्या होते हैं, तो ऐसी यानी सौर सेल एक कैसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सौर कुकर क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह वह सौर तापन युक्ति है जो सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करके खाना बनाने के काम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करने से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो पवन जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। अगला है कि भारत में ज्वारीय तरंगों से कहाँ कहाँ ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, तो इसका आंसर जो है गुजरात कच्छ की खाड़ी एवं कैम्बे तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी सागरीय तट पर एवं सुंदरवन में जो है तरंगों के माध्यम से ज्वारीय एनर्जी पैदा किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल का कौन सा गुण महासागरों की ऊर्जा का विशाल भंडार करने का आधार बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता का उच्च तापमान, ठीक है, उच्च मान, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सागरीय तापीय ऊर्जा को किस उपयोगी ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का स्थायी स्रोत कौन सा है, ठीक है, तो स्रोत सूर्य इसका क्या होता है, स्थायी स्रोत होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। अब अगले दिन हम और भी टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, इतने ही प्रश्न करवाए हैं, अगले दिन जो है और भी इससे अतिरिक्त टॉपिक लाएंगे और विज्ञान के जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से मिला के हम सभी को, ठीक है, धीरे धीरे सभी प्रश्न करवा देंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।